हेलो फ्रेंड्स, 18 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, कैबिनेट गिव्स नॉट फॉर 10 इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ये इंडिजीनियसली हम खुद से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम हर एक रिएक्टर जो है वो 700 मेगावाट का होगा, तो टोटल मतलब 7000 मेगावाट टोटल कैपेसिटी के रिएक्टर्स बनेंगे। ऑलरेडी कंट्री में अराउंड 6780 मेगावाट के रिएक्टर्स जो है वो ऑपरेशनल है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, प्लस और 6700 मेगावाट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो फाइनलाइज हो रहे हैं। तो ये प्रेजेंट स्टेटस है। तो ये जो रिएक्टर्स बनेंगे ये हम इसलिए अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि जो अभी हमारे डील्स चल रहे हैं न्यूक्लियर डील, तो एक है वेस्टिंग हाउस कंपनी, तोशिबा वेस्टिंग हाउस। अब तोशिबा ने मेजर स्टेक इसमें अक्वायर कर लिया। तो ये वेस्टिंग हाउस कंपनी के साथ डील थी कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंस्टॉल किए जाएंगे इन आंध्र प्रदेश। तो अब वेस्टिंग हाउस ने देखे, अरे वाह, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनी, तो इनके साथ भी हमारी डील की डीलिंग चल रही है रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो जैतापुर में एस्टेब्लिश किए जाएंगे इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे भी निगोशिएशन सब चल रहे कॉस्टिंग पे। तो जब ये डील स्टक है तो अब इंडिया ने अनाउंस किया कि हम खुद ही रिएक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिजनेस जनरेट होगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस वजह से जो 70,000 करोड़ का इवन बिजनेस जनरेट होगा इस डिसीजन से। लेकिन कोई ऐसे टाइमलाइन नहीं दिया गया कि कब तक ये कंस्ट्रक्शन फिनिश होगा, कैसे होगा, सिर्फ ये अनाउंस किया गया फिलहाल। तो ये इससे ये भी पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी में भरोसा है कि हमने ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है इसको मास्टर कर लिया है, हम ये केपेबिलिटी है हमारे पास, हम ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो वो है, ये तो ये वही है जो 10 रिएक्टर्स बनेंगे, कहाँ रीजन्स, कौन से स्टेट्स में है, यहाँ पे राजस्थान, एमपी, कर्नाटका, हरियाणा, यहाँ पे ये एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, स्टीम टर्बाइन्स रोटेट करती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो ग्रिड को कनेक्ट किया जाता है, और ये कंडेंसर है जो फिर से स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करके यहाँ प्रोवाइड करती है। तो ये कंट्रोल रॉड्स यहाँ इंसर्ट किए जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो सकता है, जब कंट्रोल्ड होगा तो वो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये कंट्रोल रॉड्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो होते हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, कैबिनेट गिव्स नॉड फॉर शक्ति कोल अलोकेशन स्कीम। तो ये सेम न्यूज में आइटम थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शक्ति स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। तो ये SHAK इज फॉर कोयला। तो ये शक्ति स्कीम अनाउंस की गई है। तो जो फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट्स किसको दिए जाएंगे, कोल प्लांट्स जिनके पास ऑलरेडी लेटर ऑफ अश्योरेंसेस है उनको ये दिए जाएंगे। तो इसके डिटेल्स के ऊपर ये स्कीम है कि कैसे कोल अलोकेशन करना चाहिए। तो मतलब कोल प्लांट्स जो है उनके पास लेटर ऑफ अश्योरेंस है अगर, तो ये पावर जनरेट करते हैं, तो पावर परचेज अग्रीमेंट्स भी होते हैं। पावर परचेज अग्रीमेंट्स मतलब कि वो जो आउटपुट जनरेट करेंगे वो कौन परचेज करने वाला है। तो किसी के पास कोल प्लांट्स के पास ऑलरेडी पावर परचेज अग्रीमेंट्स है, जो प्लांट्स के पास पावर परचेज अग्रीमेंट्स है तो उनको फ्यूल इनपुट भी तो चाहिए ना, फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट चाहिए। तो जिनको लेटर ऑफ अश्योरेंस दिया गया है कि आपको फ्यूल सप्लाई दिया जाएगा, तो उनको अब फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट अवॉर्ड किया जाएगा। तो इसको रैशनलाइज किया जा रहा है कोल अलोकेशन को, तो उसके लिए ये स्कीम है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो ये है। तो यहाँ पे ये जिनके पास पावर परचेज अग्रीमेंट्स है और फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट्स नहीं है, उनको बिडिंग करना होगा कि वो कितना डिस्काउंट देंगे, क्योंकि पावर परचेज अग्रीमेंट्स तो है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में वो क्या डिस्काउंट देंगे, उस बेसिस पे इनको फिर ये फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट्स अवॉर्ड किया जाएगा। और जितना डिस्काउंट होगा ये बिड किया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स को दिया जाएगा। तो डिस्कॉम्स भी काफी लॉस में, हमने उदय स्कीम भी आपको पता होना चाहिए, तो उज्ज्वल ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, डिस्कॉम के लिए स्कीम्स है, तो इनको ये डिस्काउंट से बेनिफिट होगा। और एक पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट ये है कि कोल इंडिया में बहुत ज्यादा है, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल, लेकिन जो पावर प्लांट्स है वो फॉरेन कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये रीजन ये है कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी है पावर प्लांट्स के पास, वो सिर्फ फॉरेन कोल के साथ ही यूज की जा सकती है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको हम फिर से प्लांट्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो लोकल कोल को यूज कर सके और हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सके, तो वो भी अनाउंस किया गया। तो ये पूरा जो है ये शक्ति स्कीम के बारे में है जो अभी हमने डिस्कस किया।
फिर अगला न्यूज आइटम है एनटीआरओ नाउ अंडर इंटेलिजेंस एक्ट। तो एनटीआरओ है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पीएमओ में अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ये बॉडी। तो इन्होंने कई टाइम से 10 साल पहले से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो है 1985 का, उसके अंदर लिस्ट किया जाए। तो इससे लिस्टिंग से क्या बेनिफिट होगा कि अगर इसमें लिस्ट किया जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉइज है जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, वो यूनियंस नहीं बना सकते, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते प्रेस के साथ, कोई बुक डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये विदाउट परमिशन ऑफ द इंटेलिजेंस बॉडी है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो ये उनके फंक्शनिंग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब ये उनका डिमांड एक्सेप्ट किया गया। तो जैसे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये दो ऑर्गेनाइजेशन से इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के अंदर लिस्टेड। अब एनटीआरओ भी लिस्ट की गई है, और भी ऑर्गेनाइजेशन से उनका भी डिमांड है, जैसे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भी यही डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी इस एक्ट के अंदर लिस्ट किया जाए। तो ये यूपीए गवर्नमेंट के सामने भी तब डिमांड था, वो हो नहीं पाया था, तो अब किया गया। ये एनटीआरओ बनाई गई थी इन 2004 आफ्टर द 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये टेक्निकल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके पास ये बॉडी भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट है एशिया में जो ये एनटीआरओ ने अपने अंदर बनाई। तो ये न्यूज। फिर अगला न्यूज आइटम है ऑल ऑप्शंस फॉर एयर इंडिया रिवाइवल ओपन। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एयर इंडिया, ये काफी लॉसेस में जा रही है, तो ये पहले भी हाईलाइट किया गया है कई बार। इवन इकोनॉमिक सर्वे 2017 में प्रोमिनेंटली डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी डिफिकल्ट हो रहा है, तो ये भी है। तो यहाँ पे एयर इंडिया के ऊपर अब नीति आयोग रिकमेंडेशन फ्रेम आउट कर रही है कि इसको रिवाइव कैसे किया जाए, इवन ऑल पॉसिबल ऑप्शन देखे जाएंगे, इवन डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन जब आएंगे तो ये डील इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट टर्न अराउंड प्लान ये प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट ने लाई थी, तो टर्न अराउंड प्लान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज कर रही है, पैसा डाल रही है ताकि इनके लॉसेस कवर अप किए जा सके। तो अराउंड 24,745 करोड़ अब तक डाल चुकी है गवर्नमेंट ने, इवन और 30,231 करोड़ इनको डालना है अकॉर्डिंग टू द टर्न अराउंड प्लान। तो अब इसको मतलब डांट करना पड़े, इतने इन्वेस्टमेंट नहीं डालने पड़े, इतना कैपिटल इसमें, तो उसके लिए गवर्नमेंट अब कंसिडर कर रही है कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो वही है, तो काफी सालों से एयर इंडिया को लॉसेस हो रहे हैं। तो ये नहीं से तो एयर इंडिया ओरिजिनली ये टाटा सन्स ने फाउंड किया था इन 1932, फिर गवर्नमेंट ने इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस 1953 में अक्वायर कर लिया एज एयर इंडिया। और ये जो है इनके लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे, सब्सिडियरीज जो उनके लॉसेस भी कम हो रहे, जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, तो ये प्रॉफिट्स भी रजिस्टर कर रहे, तो वो है, लेकिन डेट्स काफी ज्यादा है। तो आप देख सकते हो टोटल डेट अराउंड 50,000 करोड़ वही है। तो यहाँ पे इवन कहा जाता है कि अराउंड 20,000 करोड़ लोन जो है एयर इंडिया के लिए सस्टेनेबल है, वो अपने कैश फ्लो के थ्रू उसको सर्विस कर सकते हैं, पर वो ये इंटरेस्ट पेमेंट भी काफी ज्यादा हो जाता है, अराउंड 4,000 करोड़ हर साल उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने डेट पे। तो ये सारा जो है ये बर्डन है उसको निकालने के लिए ये स्टेप्स अब लिए जाएंगे जब नीति आयोग के रिकमेंडेशन आएंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है बीएसएफ बिगिंस ऑपरेशन गरम हवा। तो ये ऑपरेशन गरम हवा लॉन्च की गई है बाय बीएसएफ इन राजस्थान। तो यहाँ पे जब इंटेंस हीट वेव्स होते हैं तब इंटरनेशनल बॉर्डर से या पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन काफी बढ़ जाता है। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा जो पाकिस्तान के साथ, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर ये सब शेयर करते हैं। तो यहाँ राजस्थान में ऑपरेशन हीट गर्म हवा लॉन्च किया गया है बाय बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर अगला न्यूज आइटम है विशाखापट्टनम बिल्ड द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने सर्वे किया और रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है, तो इस सर्वे के अंदर पता चला कि जो टॉप एयर स्टेशन से रेलवे स्टेशन से इंडिया में 75 मेजर A1 स्टेशन से उनमें सबसे क्लीनेस्ट स्टेशन विशाखापट्टनम है, और इवन ए कैटेगरी में। तो ए कैटेगरी है दोज अर्निंग जिनका अर्निंग पैसेंजर फेयर से एनुअली अराउंड 6 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, तो वो ए कैटेगरी में भी जो क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है बियास इन पंजाब। तो ये सर्वे में सामने आया, तो हर स्टेट में कितने स्टेशन क्या रैंक ब्रैकेट में बैठते हैं वो यहाँ पे डिटेल आउट किया गया है। और ये सर्वे जो है यहाँ पे तीन कैटेगरीज पे किया गया था, सेल्फ इवेल्युएशन, थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन और पैसेंजर फीडबैक, तो उसके बेसिस पे रैंकिंग किया गया।
फिर अगला न्यूज आइटम है पैलेस्टीन, इट्स इज फॉर आफ्टर पैलेस्टीन इट्स इजराइल स्टोन। तो ये पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने विजिट किया इंडिया में, अब उनके बाद इसराइल में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले, तो उसके लिए डेवलपमेंट सब से शुरू हो रही है। जुलाई में ये विजिट है, जुलाई 2017 में। तो यहाँ पे इवन ऑलरेडी ऑफिशियल्स यहाँ जा रहे टू इसराइल टू मेक प्रेपरेशन। तो इसराइल में भी काफी इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है, अराउंड 80,000 इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। तो ये सारे जो ज्यूज होते हैं, तो ज्यूज यहाँ पे जो है वो इंडिया से इसराइल गए थे, तो इसको जो है माइग्रेशन को कहते हैं आलिया। तो जो ज्यूइश डायस्पोरा फिर से इसराइल गई थी, ये माइग्रेशन, इसको आलिया कहा जाता है। तो ये यहाँ पे जो इंडियन इसराइली पॉपुलेशन है, ज्यूइश पॉपुलेशन है, उनके नाम जो है वो है बेने इसराइली, से महाराष्ट्र से है। फिर कोचिन, कोचिन ज्यूज है जो कोची केरला से है। बगदादी ज्यूज कोलकाता से। इवन एक लॉस्ट ट्राइब है बनाए मिनाचे मणिपुर से। तो ये सारे ज्यूइश ट्राइब्स है जो इंडिया से माइग्रेट करके काफी सारा पॉपुलेशन ये इसराइल में है, तो उनको भी एड्रेस किया जाएगा। ये इसके अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पैलेस्टीन नहीं विजिट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ इसराइल ही विजिट करेंगे। फिर अगला है नेवी सेव्स शिप फ्रॉम पायरेट्स। तो ये INS शारदा है, तो ये इंडिया ने डिप्लॉय किया है, इन स्टेशन किया है इन गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए ये शिप स्टेशन की गई है। और जब ये मर्चेंट वेसल लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको डिस्ट्रेस कॉल दिया, तो इमीडिएटली यहाँ पहुंचे हैं और ये पायरेसी अटेम्प्ट को उन्होंने ब्लॉक किया। तो वो न्यूज है, ये रहा गल्फ ऑफ एडन। तो इवन ये इंडिया है, तो ये रीजन यहाँ पे सोमालिया, यहाँ पे पायरेसी के केसेस काफी होते हैं। ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, रेड सी, ये गल्फ ऑफ अकाबा, ये सिनाई पेनिनसुला जो हमने पहले भी डिस्कस किया, सूस कनाल ये इजिप्ट का, और ये मेडिटेरेनियन सी। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडियाज रोड टू सीमलेस कम्यूट्स वेट्स फॉर रूल्स। तो ये अब इंडिया में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, काफी सिटीज में अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। तो सीमलेस कम्यूट मतलब कि अगर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज करना है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में मेट्रो है, DTC की बसेस है, तो ये सारा जो है उनको सीमलेस ट्रांसपोर्ट दिया जा सके। मतलब एक कम्यूटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहता है, तो वो एक सिंगल टिकट ले, और जो भी वो मीन्स यूज कर रहे हैं वो सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो इसमें से रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर करें। तो ये जो है ये मॉडल डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को भी रूल्स लाने पड़ेंगे, तो वो जरूरी है। इवन रियल टाइम डेटा यूज करके भी कम्यूटेशन को काफी बेनिफिट हो सकता है, जैसे कि ओला उबर यूज करते कि आपका व्हीकल कितने टाइम में आपको आपके पास पहुंचेगा, तो वो डिटेल्स रियल टाइम डेटा यूज करके दे सकते हैं। वैसे ही बेंगलुरु भी ये स्टेप्स ले रहे हैं कि वो अपनी बसेस जो पब्लिक सेक्टर में बसेस है, जो सिटी बसेस के ऊपर भी वो पूरा उनके मूवमेंट का, लोकेशन का, और कब पहुंचेंगे अराइवल का टाइम एग्जैक्टली बता सके, रियल टाइम डेटा दे सके। तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट होगा, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो लंदन ने ये पायनियर किया था कि वो एप्स उन्होंने क्रिएट किए थे ताकि लोकेशन अराइवल टाइम एग्जैक्टली मिल सके, तो वैसे ही बेंगलुरु भी अब ये डेवलप कर रही है और शॉर्टली ये अनाउंस किया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है एंटी प्रॉफिट शेयरिंग पैक्ट गेट्स नॉट। तो ये है मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये कन्वेंशन को साइन करेंगे इंडिया, उसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। तो मतलब ये मल्टीलैटरल इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग किया जाता है, BEPS कहा जाता है, तो ये OECD G20 कंट्रीज ने ये BEPC प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, तो अब उसके ऊपर एक मल्टीलैटरल कन्वेंशन बन के ये अग्रीमेंट बना है, तो ये साइन किया जाएगा, तो ये इंडिया भी साइन करेगी। तो ये जो है मतलब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि जहाँ टैक्स लो है, जहाँ टैक्स हेवेंस कहा जाते हैं, जहाँ लो टैक्स रेट्स है, नो टैक्सेस है, उस रीजन्स में जाके वो अपना प्रॉफिट वहां शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ से बेस इरोजन किया जाता है जहाँ वो एक्चुअली हेडक्वार्टर्ड है, और वहाँ अपना प्रॉफिट वहां शिफ्ट कर देते हैं, वहां पे टैक्सेस उनको कम पे करने पड़ते। तो ये जो है उसके अगेंस्ट ये स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये टैक्स अवॉइडेंस है, इलीगल नहीं है, टैक्स अवॉइडेंस है, तो वो भी ना हो, गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू क्यों लूज करे। तो इसके लिए वो ऐसे मल्टीनेशनल टैक्स ऐसे प्लान करते हैं और ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि उनको लो टैक्स पे करना पड़े या नहीं पे करना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के अगेंस्ट ये मल्टीलैटरल अग्रीमेंट भी किया गया, जो टैक्स ट्रीटीज होते हैं वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, मिसयूज किए जाते हैं बाय दीज मल्टीनेशनल्स। तो ये एग्जांपल्स भी दिए गए, जैसे स्टारबक्स, ये यूके में डोमिसाइल्ड है, यूके में इनका टर्नओवर 398 मिलियन है, पर ये 2011 में उन्होंने कॉर्पोरेशन टैक्स कितना पे किया वहां पे, जीरो।
अमेजोन का भी जैसे एग्जाम्पल है, लग्जमबर्ग में डोमिसाइल्ड है, यूके में टर्नओवर है 3.3 बिलियन, पर कॉर्पोरेशन टैक्स जीरो। तो इसको कहते हैं कि ऐसे कैसे किया जाता है, तो ये जो स्टेप्स वो लोग लेते हैं, मल्टीनेशनल क्या करते हैं कि इवन सब्सिडियरीज बनाते हैं, जो कंपनी जो जो कंट्री में लो टैक्सेस है वहां पे एक सब्सिडियरी बनाई गई, और अपना वहां जो है ट्रांजेक्शन ऐसे बताते हैं, जो ट्रांजेक्शन ऐसे बताते हैं जैसे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ उसमें ये कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने काफी ज्यादा पैसा वहां पे किया, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग भी एक टर्म होता है, कि जो रिलेटेड एंटिटीज है उनके बीच में जो डील्स होती है तो उसकी प्राइसिंग कैसे होती है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा प्राइस कोट करूं और वो कंपनी इतनी ज्यादा प्राइस पे वो चीज यहाँ पे सब्सिडियरी को दे, तो वो पूरा उनका प्रॉफिट जो इतना सारा कैपिटल अमाउंट जो है, इतना सारा अमाउंट वो जाता है सब्सिडियरी को, और वहां पे जब ये प्रॉफिट जाता है, ये मनी जाता है वहां पे, उनको टैक्सेस तो काफी लो पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे करके अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, टैक्स ट्रीटीज यहाँ पे है, ट्रीटी अब्यूज कहा जाता है, टैक्स ट्रीटी अब्यूज जैसे, तो उनको मिसयूज किया जाता है, मल्टीनेशनल्स मिसयूज करते हैं कि कोई कंट्री के साथ हमारा टैक्स है तो वो टैक्स ट्रीटी है, तो वो उसको मिसयूज करके वहां पे अपना बेस बनाते हैं, और एक्चुअल ऑपरेशन दूसरी कंट्री में होते हैं, प्रॉफिट्स वहां जाते हैं और वहां पे टैक्स पे नहीं करते, और जो मेन कंट्री है वहां पे भी टैक्स वो पे नहीं करते। तो ये सारे के अगेंस्ट ये अग्रीमेंट है, कन्वेंशन। फिर अगला न्यूज आइटम है, रेन में हैव शेप्ड मार्स सरफेस। तो अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो मार्स का जो सरफेस है यहाँ पे, जैसे क्रेटर्स है, वैलीज है, तो ये कैसे बनाई बनी होगी, तो ये वो कह रहे हैं कि ये रेनफॉल के थ्रू हुई होगी। तो जब मार्स के एटमॉस्फेयर में काफी चेंजेस हो रहे थे, तो तब वहाँ बहुत बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि पूरा सर्फेस ऐसे चेंज हुआ है। तो जैसे मून और अर्थ पे क्रेटर्स वैलीज है, वैसे ही मार्स पे भी बनी है, और यहाँ पे फिलहाल कोई रेनफॉल नहीं है, और काफी सारा अब एविडेंस आ रहा है कि वॉटर एक टाइम पे मार्स के सर्फेस पे था, तो उसके एविडेंसेस भी अब आ रहे हैं, तो ये डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। तो रिवर लाइक चैनल्स भी है मार्स के सरफेस पे, वो भी सामने आए हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, 3D प्रिंटेड 4-लेग्ड रोबो कैन वॉक ऑन सैंड। तो ये 3D प्रिंटेड रोबो बनाया गया है, तो इसके अंदर रिजिड और फ्लेक्सिबल कंटेंट दोनों है, तो जैसे बॉडी में हार्ड टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज होते, बोन्स भी होते, सॉफ्ट टिश्यूज भी होते, वैसे ये जो रोबो है उसमें भी रिजिड और फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स है, तो जो ये चार लेग्स भी है वो इजीली फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं, तो ये उन्होंने 3D प्रिंटिंग से बनाया, तो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है, टेक कुड रन फोल्डेबल स्पीकर्स। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको नाम दिया गया है शीट लाइक डिवाइस होती है ये, फेरो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, फैंक। तो ये जो है, इसको लास्ट ईयर ही साइंटिस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि इसको यूज करके इवन कीबोर्ड बनाया जा सकता है, इसको कीबोर्ड की तरह यूज किया जा सकता है, एलईडी लाइट की तरह, एलसीडी टच स्क्रीन की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये शीट एक पेपर जैसी थिन है, फ्लेक्सिबल शीट है, और ये एनर्जी जनरेट कर सकती है इवन फ्रॉम ह्यूमन मोशन, कि आप मैकेनिकल एनर्जी जनाओ तो लगाओ, अगर प्रेस करो तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। और ये अब जो उन्होंने अनाउंस किया वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसड्यूसर है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी ये कन्वर्ट कर किया जा सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल डिवाइस है, वो कह रहे हैं कि इससे फोल्डेबल लाउडस्पीकर्स भी बन सकते हैं, इवन टॉकिंग न्यूज़पेपर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है फेंग, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, बेबीज फ्रॉम स्किन सेल्स एडवांस अनसेटल्स एक्सपर्ट्स। तो ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो हमने ऑलरेडी देखा है, अब 40 साल पहले की ये टेक्नोलॉजी है। तो इन विट्रो मतलब, विट्रो मीन्स इन ग्लास, तो मतलब ग्लास में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब एग और स्पर्म जो है कंबाइन किए जाते हैं इन ग्लास, इन टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब बेबी बनते हैं। तो आउटसाइड द बॉडी ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, बाद में एम्ब्रियो को वूम में डाल देते हैं और फिर प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी होती है। तो अब रिसर्चर्स ने नया टेक्नोलॉजी जो बनाया है, प्रोसेस ये वो है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस, तो ये IVG कहा जाता है। तो ये फिलहाल तो सिर्फ माइस पे यूज हुआ है, पर रिसर्चर्स अब कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स, कि इवन 10-20 सालों में ये ह्यूमंस में भी इजिली पॉसिबल होगा। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। तो गैमीट्स जो होते हैं, तो गैमीट्स मतलब ये जो स्किन सेल्स यूज करके भी आप जो जो है स्पर्म सेल्स बना सकते हैं, एग सेल्स बना सकते हैं, तो उनको कोक्स किया जा सकता है, स्किन सेल्स को ही कोक्स किया जा सकता है, वो स्पर्म भी बन सकते हैं, एग भी बन सकते हैं। तो एक ही ह्यूमन के स्किन सेल से आप स्पर्म सेल भी बना लो, एग सेल भी बना लो, और फिर दोनों को कंबाइन करोगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो बन जाएगा, एंड देट कैन बी रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, वूम में इम्प्लांट करके आप बेबी बॉर्न हो सकते हैं। तो मतलब एक सिंगल पेरेंट बेबी भी पॉसिबल है इवन विद दिस इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। टू मेल्स कैन ऑल्सो हैव अ चाइल्ड,
तो एक से स्किन सेल से आपने स्पर्म बनाया, एक की स्किन सेल से आपने एग बनाया और दोनों को आपने कंबाइन किया। इवन हेटरोसेक्सुअल जो होता है नॉर्मली वो भी पॉसिबल है। तो ये है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। तो और भी कंसर्न्स एक्सपर्ट्स रेस कर रहे हैं, वो ये है कि इसकी वजह से इवन ब्रैड पिट सिनारियो हो सकता है। मतलब सेलिब्रिटी अगर कोई है तो उसका स्किन सेल कहीं से मिल गया, मतलब होटल बेड से या बाथटब से, तो उसको यूज करके अभी स्टेम सेल्स ये स्किन सेल यूज करके भी आप उसको स्पर्म सेल भी बना सकते हो, एक्सेल एक्सेल भी बना सकते हो। दोनों को मर्ज करके आप वो सेलिब्रिटी का बेबी, वो जीन का बेबी बना सकते हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज होगी। इवन एम्ब्रियो फार्मिंग हो सकता है, मतलब ह्यूमन लाइफ पूरी डीवैल्यू हो जाएगी, इजीली ह्यूमन जनरेट किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस में पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये है जैसे जो सेल्स है, तो ये आईपीएस मतलब इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल से आर्टिफिशियली ये स्पर्म भी बनाया जा सकता है, एग भी बनाया जा सकता है, और फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, सेम सेक्स फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, या हेट्रोसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।